हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ जीके मिश्रा। आज के क्लास में हम लोग नीट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब हुआ इसमें से कौन सा फैलोपियन ट्यूब का भाग नहीं है। तो देखिए, फैलोपियन ट्यूब का मतलब क्या होता है, अंडवाहिनी। अब ये अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी क्या है, आइए इसको फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये दोनों तरफ का पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ जो निकला हुआ है, ये हाथ की तरह ऐसे जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। इसको बोलते हैं हम लोग फैलोपियन ट्यूब, यानी कि अंडवाहिनी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अंडवाहिनी। अच्छा, आप देखिए अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, बस हम लोग को यही बात करना था सर। अंडवाहिनी के तीन भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं अंडवाहिनी के? सर, पहला नंबर में इनफंडिबुलम यानी कीपक, जिसका आकार कीप के समान यानी फनेल लाइक होता है। इसका आकार जो है कीप के समान होता है, यानी फनेल लाइक, कीप के समान इसका संरचना होता है। फनेल का मतलब होता है कीप, यानी बाहर में चौड़ा ऊपर पतला, ठीक है, देख रहे हैं चौड़ा और पतला, तो ये हो गया कीप के समान, और इसको हिंदी में हम लोग कीपक कहा जाता है, इनफंडिबुलम पहला भाग है। दूसरे नंबर में एम्पूला, जहां फूला वहां एम्पूला, ये तरीका याद रखिएगा, मतलब जहां जहां एम्पूला आएगा शरीर में वहां फूला फूला भाग होगा। अच्छा, ये एम्पूला जो है, ये जैसे मेमोरी ग्लैंड में भी एक जगह एम्पूला होता है, ठीक है, यानी अस्तन ग्रंथि में भी होता है एम्पूला। ये आपके एम्पूला जो है यहाँ भी आप देख रहे हैं, जैसे कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी आपको यहाँ है जैसे एम्पूला। तो तुम्बिका वैसा भाग होता है ना जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए थोड़ा जगह होता है, इसलिए वो फूला हुआ होता है, वहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं, तो ये हो गया एम्पूला। अच्छा, और ये इंस्टमस है, यानी कि संकीर्ण पथ है, पतला सा भाग है जो यूट्रस के समीप होता है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ओवरी यानी अंडाशय है। तो अंडाशय के नजदीक कौन सा भाग होता है, तो इनफंडिबुलम, और यूट्रस के नजदीक ओविडक्ट का कौन सा भाग होता है, चाहे फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी का कौन सा भाग यूट्रस के करीब होता है, तो इस्टमस संकीर्ण पथ और ओवरी के करीब जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम का जो किनारा होता है ये उंगली नुमा संरचना का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी यानी कि झालर बोलते हैं। एम्पूला कैसा होता है, चौड़ा यानी कि वाइडर होता है, और इस्टमस कैसा होता है, नैरो यानी संकीर्ण होता है। यहाँ ये भेजाइना है यानी कि योनी है, ये भेजाइना हो गया, यहाँ से भेजाइना की प्रवेश हो रही है। ये सर्विक्स है, सर्विक्स का मतलब होता है गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा से जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो ये होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय, और ये यूट्रस है गर्भाशय, और गर्भाशय के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं यूटेराइन फंडस है, गर्भाशयी फंडस इसको कहा जाता है, गर्भाशयी फंडस ऊपर इसको बोलते हैं। यानी कि अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गया होगा कि अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं और यूटेराइन फंडस कहाँ होता है। नीट 2024 यानी हाल ही में इस बार का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में देखिए बोला हुआ है कौन फैलोपियन ट्यूब का भाग नहीं है, तो फैलोपियन ट्यूब का भाग जो है ये इस्टमस, संकीर्ण पथ, इनफंडिबुलम, एम्पूला, ये तीनों तो था, लेकिन सर ये यूटेराइन फंडस, गर्भाशयी फंडस नहीं था।